आज हम सीखने वाले हैं कोन क्लच। तो कोन क्लच को जाने से पहले चलिए थोड़ा गूगल मैप में ढूंढ लेते हैं क्लच हमारा रहता कहाँ पे है। अच्छा, ये जो क्लच है बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे रहता है। ये हो गया हमारा इंजन और ये हो गया यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स। तो इंजन एंड गियर बॉक्स ये दोनों के बीच में ही यहाँ पे ये रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंजन और ये हो गया हमारा गियर बॉक्स। तो इंजन से हमारा पावर आ रहा होता है और गियर बॉक्स में पहुंच रहा होता है, यही तो होता है ना। हमारे व्हीकल को मूवमेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो पावर को जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इंजन से गियर बॉक्स तक, तो ये दोनों के बीच हमारा काम कर रहा होता है क्लच। तो क्लच हमारा करता क्या है बेसिकली, जो कि हमारा ये जो इंजन का शाफ्ट है और जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, ये दोनों को कभी ये एंगेज कराता है और कभी डिसएंगेज कराता है। अच्छा, क्यों कराता है? क्योंकि कभी हमको पावर चाहिए होता है गियर बॉक्स में और कभी नहीं चाहिए होता है। अच्छा, चाहिए होता है हमको पावर क्योंकि हमारे व्हीकल को मूवमेंट कराना है, और पावर हमको क्यों नहीं चाहिए होता है गियर बॉक्स में, क्योंकि हमको अभी गियर चेंज कराना है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये गियर बॉक्स हमारा चालू रहेगा और उस वक्त हम क्या करेंगे, गियर चेंज करेंगे, तो ये गियर बॉक्स के अंदर हमारे जितने भी गियर्स के अरेंजमेंट है वो सब टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी टॉर्क ट्रांसफर हो रहा होता है, इसलिए गियर बॉक्स टूट जाएगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इंजन हो गया और गियर बॉक्स हो गया, ये दोनों के बीच ही हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं एक क्लच को। तो ये क्लच हमारा क्या करेगा, जब हमारा डिसएंगेज हो जाएगा तब यहाँ पे गियर बॉक्स तक हमारा पावर पहुँच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इंजन से तो पावर आएगा लेकिन गियर बॉक्स तक पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे ये एंगेज हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा पावर इंजन से जा रहा होता है वही पावर हमारा जाकर पहुंचेगा गियर बॉक्स में। ओके, अच्छा, तो यही होता है हमारा क्लच का काम। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे व्हीकल्स में। ओके, तो ये जो हमारा क्लच है ये है हमारा कोन क्लच। तो इसको हम कोन क्लच बेसिकली क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्लाई व्हील, पता है आप लोगों को। तो ये जो फ्लाई व्हील है, इस टाइप के जो क्लच होते हैं, ये क्लच में जो फ्लाई व्हील होता है, ये फ्लाई व्हील हमारा कोन शेप का होता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कोनिकल फ्लाई व्हील। ओके, इसको हम बोल सकते हैं कोनिकल फ्लाई व्हील। एंड यहाँ पे जो क्लच प्लेट लगा रहता है, ये जो हमारा क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट को हम बोल सकते हैं हमारा कोनिकल क्लच प्लेट। इसको हम कोनिकल क्लच प्लेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारा कोनिकल फ्लाई व्हील हो गया और ये जो कोनिकल क्लच प्लेट हो गया, ये दोनों जब हमारे मेस करते हैं और ये दोनों जब कंटैक्ट में आते हैं तो होता क्या है, हमारा पावर ट्रांसमिट होता रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कोन क्लच। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कोन क्लच। बेसिकली ये जो कोन क्लचेस है ये हमारे ऑफ रोड व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। मान लीजिए थार हो गया या सहारा हो गया, यहाँ पे हमको क्या करना है, रेत में चलाना है। बजरंगी भाईजान तो आप देखे होंगे, तो रेत में अगर चलाना है व्हीकल को तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोन क्लच का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोन क्लच में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है ये कोन शेप के होते हैं और यहाँ पे हमारा एक ही प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। आसानी से हमारा पावर ट्रांसमिट होगा और हीट भी जेनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लेट जो क्लच है हमारा उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्लेट्स दिए जाते हैं, जो हमारे बहुत सारे प्लेट रहते हैं जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो भाई ये हमारे टॉर्क तो ट्रांसमिट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा हीट भी जेनरेट होगा। ओके, तो ये जो हीट है, हीट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ऑफ रोड व्हीकल्स है, मान लीजिए रेत पे आप चला रहे हो या उबड़ खाबड़ में चला रहे हो, तो आपको उस वक्त हैवी टॉर्क तो नहीं चाहिए होता है, आप तो धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे ना, तो हैवी टॉर्क तो नहीं चाहिए होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल प्लेट लगाते हैं और कोनिकल
ऐसे का सेव कर देते हैं, मतलब इसको हम कोनिकल बना देते हैं, जिसके वजह से हमारा टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा होता है और हमारा यहाँ पे हीट भी जेनरेट नहीं होता है, ज़्यादा हीट नहीं जेनरेट होता है। तो बेसिकली ये जो कोन क्लच है ये हमारा ऑफ रोड व्हीकल में यूज किया जाता है। ऑफ रोड व्हीकल जैसे हमारा हो गया टोयोटा का कुछ है और हमारे चेवरोलेट के भी कुछ है जो कि रेत पे चलते हैं और ऊबड़ खाबड़ में चलते हैं बेसिकली, और रेसिंग कार्स में भी यूज किया जाता है, और हमारा क्या हो गया मर्सिडीज बेंज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फोर्ड का जो ई सीरीज है इस सीरीज में इसको यूज किया जाता है और फोर्ड का एफ सीरीज में भी इसको यूज किया जाता है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा कोन क्लच। तो चलिए देख लेते हैं ये कोन क्लच हमारा काम कैसे कर रहा होता है। ओके, तो ये कैसे काम करता है ये हमारा कोन क्लच। अच्छा, जैसे कि हमको पता है ये हो गया हमारा इंजन शाफ्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील जिसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लाई व्हील इस केस में, और ये हो गया हमारा कोन क्लच प्लेट, और ये जो आप देख रहे हो शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को हम बोलते हैं गियर बॉक्स ड्रिवन शाफ्ट। ओके, मतलब ये जो शाफ्ट हमारा निकल कर आ रहा होता है ये हमारा गियर बॉक्स से ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है एक स्प्रिंग भी लगाया गया है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट स्प्रिंग, ठीक है, इस ओर लगाया गया है, इस ओर भी लगाया गया है, इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट स्प्रिंग, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे बियरिंग, ठीक है, ये है हमारा बियरिंग, और ये सब तो लिंक है, और ये हमारा हो गया क्लच पेडल, और सिंपली इसको आप क्लच बोल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है। तो जैसे कि हमको पता है हम पहले देखेंगे केस वन, केस वन में क्या होगा, अच्छा डिसएंगेज, ये जो आप अभी देख रहे हो ये जो कंडीशन है ये हमारा डिसएंगेज है। ओके, तो ये डिसएंगेजिंग कंडीशन है, तो ये कंडीशन में ये जो क्लच अभी हमारा ये क्लच अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब अभी हमको गियर चेंज कराना है, इसलिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पे इनको डिसएंगेज कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये जो डिसएंगेज हुआ है कैसे हुआ है। अच्छा, पहले तो ये एंगेज रहते हैं, मतलब जब हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे होता है, मतलब हमारे व्हीकल जब मूवमेंट कर रहा होता है तब क्या होता है ये जो इंजन शाफ्ट हो गया और ये जो शाफ्ट हो गया ये तो हमारे लगे रहते हैं, ये हमारे रोटेट करते हैं, जब ये रोटेट करेंगे तो हमारा पावर ट्रांसमिट होगा, तो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, अब हम क्या करेंगे डिसएंगेज करेंगे। डिसएंगेज हमको कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्लच पेडल है, क्लच पेडल के ऊपर हम फोर्स डालेंगे, जाहिर सी बात है भाई जब हम फोर्स डालेंगे तो ये जो हमारे लिंक है ये लिंक हमारे मूव करने लगेंगे, ये लिंक हमारे मूव करेंगे, जब ये हमारे मूव करेंगे लिंकेजेस तो होगा क्या, ये जो आप बियरिंग देख रहे हो ये बियरिंग हमारा क्या करेगा पीछे की तरफ जाएगा, ये बियरिंग पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। क्लियर। जो कि हमारा सिंगल प्लेट क्लच था और डबल प्लेट क्लच था उस वक्त क्या हो रहा था, ये जो बियरिंग है ये आगे की तरफ आता था, जब ये आगे की तरफ आ रहा होता था तो ये जो क्लच प्लेट हमारे थे वो हमारे पीछे की तरफ जाते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा क्लच है इसको हम बोलते हैं कोन क्लच और ये कोन शेप का होता है, इसीलिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर प्लेट वगैरह तो है नहीं, तो सिंपली जब हमारा यहाँ पे क्या करेंगे हम ये जो बियरिंग है, बियरिंग जब हमारा क्या करेगा पीछे की तरफ जाएगा, मतलब क्लच पेडल के ऊपर फोर्स लगाने के वजह से जब ये पीछे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा तो होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग भी हमारा क्या करेगा लगा हुआ है किसके साथ, कोनिकल क्लच प्लेट के साथ, तो ये जो क्लच प्लेट हमारा है ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आप देख रहे हो इसको ये क्या करेगा पीछे की तरफ ले चलेगा अपने साथ। ओके, ये जब ये स्प्रिंग हमारा इस ओर जाएगा पीछे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग भी पीछे जाएगा ना, तो देखिए स्प्रिंग हमारा लगा हुआ है किसके साथ, बियरिंग के साथ, जब बियरिंग पीछे जाएगा ये स्प्रिंग भी हमारा पीछे की तरफ जाएगा, तो ये जो है ये भी हमारा पीछे की तरफ जाएगा, ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा क्लच प्लेट हमारा जब पीछे जाएगा
तो होगा क्या, ये जो फ्लाई व्हील के साथ इसका जो ग्रिपिंग था, इसका जो कॉन्टैक्ट था, ये कॉन्टैक्ट अभी छूट जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट जब छूट जाएगा तो होगा क्या, हमारा जो पावर ट्रांसमिट हो रहा था इंजन शाफ्ट से, ये शाफ्ट को जो पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा था और इंजन हमारा काम कर रहा था, गियरबॉक्स भी काम कर रहा था, अभी इंजन तो काम करेगा लेकिन गियरबॉक्स अभी यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसएंगेजिंग कंडीशन और हम इसको डिसएंगेज करते हैं। तो इस तरह ये हमारा हो गया डिसएंगेज कंडीशन, मतलब जब हम क्या करेंगे, क्लच पेडल के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स डालेंगे तो होगा क्या, ये जो लिंकेजेस है ये हमारे मूवमेंट करेंगे, उसके वजह से ये जो हमारा बियरिंग है, ये बियरिंग हमारा पीछे की तरफ जाएगा और ये हमारा ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारा खींचेगा किसको, ये जो कोनिकल क्लच प्लेट हो गए, ये क्लच प्लेट को हमारा क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग खींचेगा। जब खींचने लग जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा ग्रिपिंग था, ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग आप देख रहे हो, ये फ्रिक्शन लाइनिंग आपस में जब जुड़े हुए थे, कंटैक्ट में थे, अभी वो लोग क्या हो जाएंगे, डिसएंगेज हो जाएंगे। तो डिसएंगेज होने के वजह से अभी हमारा पावर ट्रांसमिट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसएंगेजिंग कंडीशन। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं केस टू में एंगेज कैसे होगा। अभी हमको गियर चेंज कराना था तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे डिसएंगेज करा, उसके बाद अभी हमको क्या करना है, अभी एंगेज कराना है क्योंकि हमारा गियर अभी चेंज हो चुका है। तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं अभी हम इसको क्या करेंगे, एंगेज कराएंगे। जब हम एंगेज कराएंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रेशर है यहाँ पे हमने लगा रखा है या फोर्स लगा रखा है, तो ये फोर्स को हमको हटाना है। ठीक है, जब हम फोर्स को हटा देंगे तो होगा क्या, ये जो हमारा बियरिंग है, बियरिंग के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा था, जिसके वजह से बियरिंग हमारा पीछे की तरफ जा रहा था, इसके ऊपर भी अभी वो फोर्स हट जाएगा पूरा का पूरा। जब ये फोर्स हमारा हट जाएगा तो होगा क्या, ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग हमारा आगे की तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा। जब ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे इसको भी क्या करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। जब इसको ये आगे की तरफ ले चलेगा तो ये आगे आएगा और आगे आकर मेस्ट हो जाएगा और कांटेक्ट में आ जाएगा किसके साथ, फ्लाई व्हील के साथ। और फ्लाई व्हील के साथ ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जब आकर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो होगा क्या, ये सारे के सारे कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये जितने भी हमारे फ्रिक्शन लाइनिंग है, ये सारे के सारे कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ये सारे के सारे कांटेक्ट में आ जाएंगे डायरेक्टली, तो होगा क्या, यहाँ पे ग्रिपिंग बन जाएगा। जब ग्रिपिंग बन जाएगा तो ये दोनों हमारे रोटेट करेंगे। जब ये दोनों हमारे रोटेट करने लग जाएंगे तो जो पावर हमारा इंजन से जा रहा होता है, वही पावर हमारा अभी ट्रांसमिट होने लगेगा और वही पावर हमारा जाकर पहुंच जाएगा गियरबॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोन क्लच का काम। तो कोन क्लच हमारा इस तरह कुछ काम कर रहा होता है। ओके, और बेसिकली इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन कि आप अगर इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा कोन क्लच है, ये कोन क्लच हमारा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों को वहाँ पर बोलना चाहिए कि बेसिकली ये हमारे ऑफ रोड व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ओके, जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो, रेत हो या बर्फीला सड़क हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये कोन क्लच का, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।